प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत कि कैसे डिफ्रेंसिएशन को प्रयोग में लाकर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाला जा सकता है। बच्चों के दिमाग में एक हमेशा बात आती है कि जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसका क्या हमारे लाइफ में उपयोग है। तो आज हम लोग एक नया उपयोग देखेंगे। किसका देखेंगे? डिफ्रेंसिएशन का। डिफ्रेंसिएशन को हम लोग अपने आम जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग ला सकते हैं, हम लोग पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना हो तो हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। अगर हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिसाइड करना हो वहां हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। रेट मेजर बताना हो, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब निकालना हो तो हम लोग वहां डिफ्रेंसिएशन को उपयोग में ला सकते हैं। आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन को उपयोग में लाकर सीखेंगे कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसी भी कर्व का निकाला जा सकता है। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, आप इसको देखें ध्यान से और इस कंसेप्ट को जब आप समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 6.3 आप आसानी से बना सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर एनी कर्व। सो टुडे आवर टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन को हम लोग कैसे उपयोग में लाएंगे अपने आम जीवन में, इसको उपयोग से हम लोग एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करेंगे और 6.3 में हम लोग सीखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन। मान लेते हैं, ये देखिए y इक्वल टू एफ एक्स ये कोई कर्व दिया हुआ है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट किया गया है। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पी पर जिसका कि कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ, इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। और नॉर्मल क्या होता है? टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो लाइन नॉर्मल कहलाता है। तो टेंजेंट और नॉर्मल के बीच हमेशा 90° का एंगल बनेगा। टेंजेंट पर नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट इस कर्व के किसी एक सिंगल पॉइंट को टच करके जो निकल जाएगा उस लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द गिवन कर्व। दिए गए कर्व का वो टेंजेंट कहलाएगा। सेकेंड का एक पर्टिकुलर केस है टेंजेंट। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा जाता है। लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स इज द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई भी दिया गया कर्व, y x के टर्म में वो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है। सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। डिफ्रेंशिएट करेंगे y का डिफ्रेंशिएशन को y डैश लिखेंगे या उसको हम लोग लिख सकते हैं f डैश x। यही जो डेरिवेटिव है इसी डेरिवेटिव को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट कर। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दिए गए कर्व का ये जनरल निकालने का फॉर्मूला हो गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट जब भी निकालना हो किसी कर्व का तो आप उस कर्व को केवल डिफ्रेंशिएट कर। अब ये टेंजेंट चाहिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट पी x1 y1 पॉइंट। तो वैसे केस में ये जो भी आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाएंगे उस वैल्यू में x के जगह पर x1 और y के जगह पर y1 पुट कर देंगे। अब वो जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी x1 y1। ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट ही है लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? पी x1 y1 पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू है। इसको हम लोग शॉर्टकट नेम दे दिए m फॉर स्लोप और t फॉर टेंजेंट, mt इसका नाम दे दिए। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p चाहिए। तो इस टेंजेंट के ऊपर में एक आर्बिटरी पॉइंट हम ले a जिसका कि कोऑर्डिनेट xy मान लेते हैं। अब इस टेंजेंट के ऊपर में दो पॉइंट है, टेंजेंट के ऊपर में एक आर्बिटरी पॉइंट हमने ले लिया xy और टेंजेंट निकालना है पॉइंट पी x1 y1 पर। तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अर्थात y2 के जगह पर y है और x2 के जगह पर x है। y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते y माइनस y1 इज इक्वल टू mt जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है इंटू x माइनस x1। अब हमें पता है कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। नॉर्मल उस लाइन को बोलते हैं
जो टेंजेंट के ऊपर में परपेंडिकुलर होता है। और ये भी जानकारी है क्लास 11th में, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1, अर्थात यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इससे हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल एम फॉर स्लोप, एन फॉर नॉर्मल हेयर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन पॉइंट पर हम लोग नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे इज, अगेन नॉर्मल के ऊपर में एक पॉइंट आर्बिटरी पॉइंट बी ले ले जिसका की कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो नॉर्मल के ऊपर में दो पॉइंट हो गया, एक आर्बिटरी पॉइंट एक्स वाई और पी पॉइंट पर हमको नॉर्मल चाहिए जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, तो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का स्लोप हो गया वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, अर्थात वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें एक्स माइनस एक्स वन से, सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन निकालने का। तो नॉर्मल निकालना हो या टेंजेंट निकालना हो, फॉर्मूला आपका वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू, अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस एक्स वन से तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट रख देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। यही मात्र दो फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए। इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, खुद एक्स एक्सिस के साथ जीरो डिग्री एंगल बनाता है, सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस टेन जीरो डिग्री होता है और टेन जीरो डिग्री का वैल्यू टेन जीरो होता है, सो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगा उसका भी स्लोप जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये टू लाइन्स आर पैरेलल, यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं, सो स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एज वी नो इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज जीरो। सिमिलरली स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज 1090 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ 1090 डिग्री इज अनडिफाइंड इन्फिनिटी। सो स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस से पैरेलल है, फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस के स्लोप के बराबर होगा और वाई एक्सिस का स्लोप कितना होगा, अनडिफाइंड इन्फिनिटी के बराबर होगा। और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए एक चीज और ध्यान देना है कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, यदि दो लाइन पैरेलल हो तो उनके स्लोप आपस में बराबर होंगे, देन एम वन इक्वल टू एम टू, एंड इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। ये छोटे छोटे से चीज है, इनको ध्यान में रखेंगे तो आप एक्सरसाइज 6.3 आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 के कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, अब एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को ही हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को ही बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू दावर 4 माइनस 4x। अब इस कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे y डैश, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 कॉन्स्टेंट इसको छोड़ देना होगा, x टू दावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हो गया 4x³ माइनस 4 को छोड़ दिए इंटू x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1, 3 4 12, सो 12x³ माइनस 4, 4 कॉमन निकालिए, 4 इंटू ब्रैकेट में आ गया 3x³ माइनस 1। अब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, पॉइंट निर्देशित है, पॉइंट हमको ऑलरेडी एग्जामिनर के द्वारा दिया हुआ है, x इक्वल टू 4 पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पता लगाइए, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 4 एक केस में हम लोग क्या करेंगे, जो वाइडेस्ट वैल्यू है उसमें x के जगह पर 4 वैल्यू पुट कर देंगे, तो x के जगह 4 रख देंगे तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 4 पर निकला। अब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 4 पर y का वैल्यू क्या होगा, आप चाहें तो इक्वेशन ऑफ कर्व में x का वैल्यू 4 रखकर y का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं निकाला गया। कंप्लीट पॉइंट जानने के लिए आप x इक्वल टू 4 दिया हुआ है, y चाहिए तो आप x का वैल्यू पुट करके ऑर्डिनेट y भी आप निकाल सकते हैं, जिसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 4
केवल एक्स की जगह पर फोर वैल्यू आप स्लोप ऑफ टेंजेंट में, स्लोप ऑफ टेंजेंट के फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो वैल्यू होगा फोर इंटू ब्रैकेट में थ्री इंटू फोर टू द पावर क्यूब माइनस वन, फोर टू द पावर क्यूब हो गया 64, तो 3 इंटू 64 192 माइनस 1 191, उसको 4 मल्टीप्लाई करते 764, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू हो गया, किस पॉइंट पर हो गया, जहां पर x का वैल्यू 4, x इक्वल टू 4 पॉइंट पर दिया गया इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू हो गया। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, सेम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x + 7। इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए वाइडेस्ट डिफ्रेंशिएट की एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन लिख दिया 3x² माइनस 3 को छोड़ दिए, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x मल्टीप्लाई कर दिए, सो माइनस 6x माइनस 9, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और 7 का डिफ्रेंशिएशन 0। इन तीनों में 3 को कॉमन निकालिए, सो x² माइनस 2x माइनस 3। अब इसको फैक्टराइज कर दे, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, फर्स्ट टू में से x कॉमन निकाले और लास्ट टू में 1 कॉमन निकाले। अब इन दोनों में से x माइनस 3 को कॉमन निकाले, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आ गया 3 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अभी हम लोग कंसेप्ट में देखें, यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में बराबर होंगे, और हमको पता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो होता है, इसलिए टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू हो गया जीरो। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इज इक्वल टू जीरो लिख दे, जीरो की तरफ 3 को डिवाइड कर दे, 3 जो कि कॉन्स्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा। तो आइदर एक्स माइनस 3 जीरो होगा और अदरवाइज x प्लस 1 जीरो होगा, अर्थात x का वैल्यू आपका दो वैल्यू निकला, या तो x का वैल्यू 3 होगा या x का वैल्यू माइनस 1 होगा। अब पॉइंट चाहिए कर्व के ऊपर में, x इक्वल टू 3 इक्वेशन ऑफ कर्व में यहां पर रखते हैं, y के जगह पर रखते हैं, तो x क्यूब रख दिए, तो आपका 3 का क्यूब हो गया 27 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर अगेन माइनस 27 माइनस 9 3 का 27 एंड प्लस 7, इसको सॉल्व कर देंगे, 27 में माइनस 27 ये जीरो हो गया, ये माइनस 20 आ जाएगा। सो पॉइंट हो गया x इक्वल टू 3, उस समय y का वैल्यू हो गया हमारा माइनस 20, x इक्वल टू 3 और माइनस 20। इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। एक और पॉइंट है x इक्वल टू माइनस 1, इक्वेशन ऑफ कर्व में रखते माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 1 को माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आएगा, माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 9 और प्लस 7, इसको सॉल्व करते 9 माइनस 4 ये 5 होगा, 5 प्लस 7 12। इसके दो पॉइंट हो गया, एक हो गया x का वैल्यू माइनस 1 उसमें y इक्वल टू 12, x का वैल्यू 3 और y इक्वल टू माइनस 20। इन दो पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा हमारा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। यही दो पॉइंट हमको निकालना है दिए गए कर्व पर, इस कर्व पर ऊपर में जहां पर टेंजेंट क्या x एक्सिस के पैरेलल। आइए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, इसको हम लोग बनाते हैं इसी सेम एक्सरसाइज 6.3 के। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y² = 4x स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y² का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, इसलिए चेन रूल लगाएंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया फिर y का x के रिस्पेक्ट में, 4 एक कॉन्स्टेंट इसलिए छोड़ दिए, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, y² का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो गया 2y इंटू वाइडस डिवाइडेस, को वाइडस लिख सकते हैं, इसी वाइडस को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 1 4 में मल्टीप्लाई हो गया 4a, 4a की तरफ आप 2y को लेकर चले गए, 2y मल्टीप्लीकेशन में था, इक्वल टू के उधर चला गया तो डिविजन में आ गया, 4a डिवाइडेड बाई 2y कैंसिल करने से आ गया वाइडस इज इक्वल टू 2a बाई y, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला, वाइडस इज इक्वल टू 2a बाई y। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक विशेष पॉइंट पर चाहिए जिसका कि निर्देशांक दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 80² और कॉमा 280, इस पॉइंट पर हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आया है उस फॉर्मूला में x के बदले में 80 स्क्वायर, y के बदले में 280 रख देंगे। x यहाँ पर कहीं है नहीं तो x नहीं रखेंगे, y केवल है तो y के बदले में रख दिए 2a डिवाइडेड बाय 280, 2a कैंसिल हो गया तो 1/t आ गया टेंजेंट का स्लोप, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, किस पॉइंट पर लिखना है तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 इस पॉइंट पर लिखना है। x1 y1 पॉइंट हमारा ये दिया हुआ है। अभी फॉर्मूला हम लोग देखे, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1, तो y माइनस y1 के जगह पर माइनस 280 रख दिए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट के जगह पर 1/t रख दिए इंटू x माइनस x1 के जगह पर 80 स्क्वायर रख दिए। इसको सॉल्व कीजिए, t से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y t माइनस 280 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया x माइनस 80 स्क्वायर, माइनस 280 स्क्वायर को राइट हैंड साइड लेके चले जाए तो प्लस 280 स्क्वायर, उसमें से सिंगल 80 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, x प्लस 80 स्क्वायर आ जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पाराबोला के लिए याद कर लिया, y t इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर, ये हो गया। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यदि पॉइंट आपके 80 स्क्वायर कॉमा 280 स्टैंडर्ड पॉइंट दिया हुआ हो तो उस समय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यही होता है। ये इक्वेशन यदि आपको याद है तो कॉम्पिटिशन में आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहूलियत होगा। दूसरा, अब हमको निकालना स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसी पर्टिकुलर पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 पॉइंट पर स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए। उसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाला हुआ है 1/t है तो 1/t रख दें तो t ऊपर चला गया, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का वैल्यू आ गया माइनस टी। अब उसी प्रकार से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी फॉर्मूला सेम, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन के जगह पर पॉइंट दिया हुआ है 280 तो वाई माइनस 280 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी निकाले माइनस टी इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन के जगह पर है 80 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दे, वाई माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस एक्स टी और प्लस 80 क्यूब, माइनस 280 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाए तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 280 एंड प्लस 80 क्यूब, ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इस बार बच्चों देखिए, आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है, टेंजेंट का नहीं पूछा गया है, नॉर्मल का स्लोप। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, और कर्व किस रूप में दिया हुआ है ध्यान दीजिए, x बराबर a cos क्यूब थीटा एंड y बराबर a sin क्यूब थीटा दिया हुआ है। अब किस पॉइंट पर निकालना है बच्चों, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पॉइंट पर निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो पहले बच्चों आपको यह जानकारी होना चाहिए कि इस तरह का यदि कर्व का इक्वेशन x भी और y भी एक नया वेरिएबल थीटा के टर्म में या t के टर्म में दिया रहे तो ऐसे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। और यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा यहाँ पर पैरामीटर का काम कर रहा है बच्चों। और जब थीटा का मान पाई बाय 4 है उस समय हमको निकालना है कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा पता लगाना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं बच्चों। अगर आपको यहाँ पर dy बाय dx निकालना है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, y को पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाय d थीटा निकाल लीजिए, x को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, dx बाय d थीटा निकाल लीजिए, फिर उन दोनों का रेशियो ले लीजिए बच्चों, dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा, तो वो हो जाएगा आपका dy बाय dx अर्थात स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। जब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकल जाएगा बच्चों तो उसकी मदद से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा ये हमारा गिवन है, इसको यहाँ पर पैरामीटर है थीटा, वेरिएबल है थीटा, y थीटा के टर्म में है तो थीटा के टर्म में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए तो dy बाय d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कांस्टेंट होने की वजह से डिफरेंशिएशन से आउट हो गया है बच्चों। अब यहाँ पर साइन क्यूब थीटा के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो चेन रूल को यूज कीजिए, साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा के रिस्पेक्ट में निकालिए, फिर इंटू साइन थीटा के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा बच्चों। अब साइन क्यूब थीटा का साइन थीटा के रिस्पेक्ट में बच्चों डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा, इसको सजा के लिख दीजिए बच्चों 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आपने dy बाय d थीटा बच्चों
इस तरह से निकाल लिया। उसी प्रकार से बच्चों आपको दिया गया है x इज इक्वल टू a cos q थीटा, यहाँ अगेन x थीटा के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dx by d थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा a कांस्टेंट होने की वजह से आउट, cos q थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट नहीं निकलेगा इसलिए चेन रूल यूज कीजिए, cos q थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा के रिस्पेक्ट में इनटू cos थीटा का फिर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, cos q थीटा का cos थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, ये जस्ट लाइक हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका कि फॉर्मूला होता है 3x2, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 3x2 के बदले में हो गया cos स्क्वायर थीटा, तो अब आपका डिफ्रेंशिएशन आ गया बच्चों a इंटू 3 cos² थीटा इंटू cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, इसको भी सजा के लिख दीजिए माइनस 3a cos² थीटा इंटू साइन थीटा, तो आपने बच्चों dx by d थीटा भी आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है dy by dx बच्चों, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन का ये फॉर्मूला ही होता है dy by dx है, तो dy by d थीटा जो पहले ऊपर में है बच्चों उसका dx by d थीटा के साथ डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही आप dy by d थीटा को dx by d थीटा के साथ डिवाइड कीजिएगा तो आपको dy by dx प्राप्त हो जाएगा, तो dy by d थीटा का जो वैल्यू है बच्चों उसको लिख लीजिए आप 3a sin² थीटा इंटू cos थीटा, और नीचे में आप dx by d थीटा का वैल्यू लिख लीजिए माइनस 3a cos² थीटा इंटू sin थीटा, जो आपका कैंसिल होता है बच्चों उसको कैंसिल कर लीजिए, 3a को 3a से डिवाइड कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखिएगा और नीचे साइन थीटा है बच्चों तो ये साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा एक स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का जो एक कॉस थीटा है बच्चों वो हट जाएगा, केवल एक कॉस थीटा रह जाएगा, तो बच क्या गया बच्चों ऊपर में बच गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे में बच गया माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा बच्चों और माइनस 1 पहले से है, तो माइनस टेन थीटा ये आ गया बच्चों फॉर्मूला आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट का, क्योंकि dy dx किसको रिप्रेजेंट करता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अब हमको पर्टिकुलर किस पॉइंट में चाहिए बच्चों तो थीटा का मान जब पाई बाय 4 है उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट पता लगाते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप के लिए हम लोग सिंबल m यूज करते हैं बच्चों, m फॉर स्लोप है यहाँ पर, और t से हम लोग टेंजेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए t लिख दिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू आ गया माइनस 10 और थीटा का मान क्या रख दिया पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 पॉइंट पर हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए और टेन पाई बाय 4 अर्थात टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 बच्चों, तो 1 इंटू माइनस 1 ये आ गया माइनस 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मान हो गया माइनस 1 बच्चों, और फॉर्मूला है हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों लाइन क्या होते हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं लंब होते हैं बच्चों, और जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दोनों लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस 1 होता है बच्चों, तो उसी फॉर्मूला से हम लोग ये फॉर्मूला निकाले हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब वैल्यू रख दीजिए माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू माइनस 1, माइनस 1 को माइनस 1 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 1 बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कि स्लोप ऑफ नॉर्मल मांगा गया था स्लोप ऑफ नॉर्मल का वैल्यू आएगा 1 आएगा बच्चों, ओके बच्चों, बच्चों अब हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 20 and 44, अर्थात आपको बच्चों एक दिया गया है इक्वेशन ऑफ कर्व, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है आपका पैराबोला का बच्चों, और इस इक्वेशन ऑफ कर्व के ऊपर में पैराबोला के ऊपर में आपको क्या करना है एक पॉइंट का पता लगाना है, और उस पॉइंट पर क्या खूबी हो रहा है बच्चों उस पॉइंट पर जो आपका टेंजेंट है ये जो टेंजेंट है बच्चों ये टेंजेंट है वो पैरेलल हो जा रहा है, किसके पैरेलल हो रहा है उस कॉर्ड के पैरेलल हो रहा है बच्चों, जो कि कॉर्ड क्या कर रहा है दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 20 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 44, ये दोनों पॉइंट बच्चों इस कर्व के ऊपर में ही है और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है बच्चों वो कॉर्ड इस टेंजेंट के पैरेलल हो जा रहा है, तो बच्चों इस कर्व के ऊपर में उस पॉइंट का पता लगाइए जहां पर कि टेंजेंट
यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो स्पर्श रेखा जो होगा उस कॉर्ड के पैरेलल होगा जो कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता है 20 और 44 पॉइंट। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया बच्चों, हमको क्या करना है कि एक कॉर्ड है हमारे पास, तो उस कॉर्ड का स्लोप निकाल दे बच्चों। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पहला पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं x1y1 और दूसरा पॉइंट को हम मान लेते हैं बच्चों x2y2। तो क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो पॉइंट जिसका की कोऑर्डिनेट x1y1 और x2y2 है, तो उसका स्लोप क्या होता है बच्चों, y2 - y1 / x2 - x1 होता है। तो इसके जगह वैल्यू रख ले 4 - 0 / फिर x2 - x1 का वैल्यू पुट करें 4 - 2, सॉल्व कीजिए बच्चों 4 / 2, आपका वैल्यू आ गया 2। तो बच्चों आपने स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल दिया, कॉर्ड जो कि 2.20 और 44 को ज्वाइन कर रहा है उसका स्लोप कितना आएगा बच्चों, वो 2 आएगा, आपने पता कर लिया। अब आपका जो इक्वेशन ऑफ कर्व दिया गया बच्चों, ये पैराबोला का कर्व है, इसको हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया dy/dx बच्चों, x - 2 का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं होगा, इसलिए चेन रूल का यूज कीजिए बच्चों, x - 2 के होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन x - 2 के रिस्पेक्ट में कीजिए इंटू फिर x - 2 का एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए बच्चों। अब x - 2 के होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया बच्चों 2 times x - 2 इंटू एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और -2 का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया 0 बच्चों। अब इसको सजा के लिख दीजिए 2 times x - 2 हो गया। तो बच्चों आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो dy/dx इसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाल दिया 2 times x - 2 आ गया बच्चों। और क्लास 11 में ही आप पढ़े बच्चों की यदि दो लाइन्स पैरेलल हो तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होते हैं, बराबर है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल है कॉर्ड का, तो टेंजेंट का कॉर्ड तो यदि पैरेलल है बच्चों तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा कॉर्ड के स्लोप के, देयरफॉर हम लोग यूज करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, और इसकी मदद से हम लोग बच्चों एक्स का वैल्यू पता लगाते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू लिख दीजिए 2 times x - 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड आप निकाले हैं बच्चों 2 लिख लीजिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो राइट हैंड साइड में आ गया आपको 1, x - 2 इज इक्वल टू आ गया 1, -2 को उधर भेज दीजिए x = 3। तो एक पॉइंट आपका निकला है एब्सिसा निकाल लिए x = 3। अब इस पॉइंट को बच्चों आप इक्वेशन ऑफ कर्व में रखकर ऑर्डिनेट निकाल सकते हो, y का वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो इक्वेशन ऑफ कर्व है बच्चों उसमें x का वैल्यू पुट कर दे 3, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर = 1 आ गया। तो पॉइंट आपने निकाल दिया बच्चों की x का मान 3 और y का मान होगा 1, और इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा टेंजेंट जो होगा बच्चों वो कॉर्ड के पैरेलल होगा, और हमको यही पॉइंट पता लगाना था बच्चों। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द गिवन कर्व, जो दिया गया कर्व है पैराबोलिक कर्व है जो बच्चों उसके ऊपर में 3-1 वो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है जहां पर कि टेंजेंट जो है वो दिए गए कॉर्ड कॉर्ड किसको ज्वाइन कर रहा है बच्चों 2, 0 और 4, 4 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कोड के पैरेलल है हमारा टेंजेंट। तो हमको यही रिक्वायर्ड पॉइंट हमको निकालना था बच्चों कि किस पॉइंट पर कर्व के किस पॉइंट पर टेंजेंट कोड के पैरेलल होगा, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा बच्चों 3-1। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि टेंजेंट एंड नॉर्मल कितना आसान सा टॉपिक है, आपको टेंजेंट के लिए केवल जो भी दिया गया इक्वेशन ऑफ कर्व उसको आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और उससे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं बच्चों, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होता है तो -1/(-1) स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देते हैं, और इस बेसिक कंसेप्ट को यूज करकर आप एक्सरसाइज 6.3 के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं बच्चों। इसके बावजूद यदि आपको कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।